माता दी। ग्रीन टीवी के नवरात्र विशेष में आप सभी का स्वागत करती हूं, मैं स्मिता सिंह। आज हम बात करेंगे कार्यक्रम में मां के सातवें स्वरूप मां कालरात्रि के बारे में। बताएंगे मां कालरात्रि की महिमा, साथ ही ये भी बताएंगे कि मां के स्वरूप की पूजा से किस फल की प्राप्ति होती है। और इन तमाम सवालों के जवाब आपको ज्योतिष के माध्यम से देंगे पंडित अमित पांडे जी, जो कि ज्योतिषी हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी धन्यवाद आपका। जी तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल यही करते हैं पंडित जी से कि माँ का नाम कालरात्रि क्यों पड़ा। पंडित जी, माँ के सातवें स्वरूप को कालरात्रि के नाम से जाना जाता है, इस स्वरूप का नाम कालरात्रि क्यों पड़ा? जी देखिए, माँ दुर्गा की जो सातवीं शक्ति है वो कालरात्रि के नाम से संसार में जानी जाती है। क्यों नाम कालरात्रि पड़ा, इसको समझने के लिए इनके नाम को देखिए। कालरात्रि दो अलग अलग शब्द हैं, एक शब्द है काल, एक शब्द है रात। ये दो शब्दों का अपने आप में ही अलग महत्व है। काल का अर्थ होता है मृत्यु और रात मतलब रात, मतलब ऐसी शक्ति जो मृत्यु के रूप में, अंधकार के रूप में पूरे संसार में छा जाए, और जो इसकी शक्ति हो वो कौन है, वो माता कालरात्रि है। जी। जब रक्त बीज का वध करते हुए माता थक गई, मतलब इतना जितना एक राक्षस को मारे उसके रक्त से तमाम राक्षस और उत्पन्न हो जाए उसके शरीर जैसा, उसके स्वरूप जैसा, तो इसके लिए माता ने कालरात्रि का स्वरूप धारण किया। मतलब एक हाथ में जो है खप्पर और दूसरे में खड़ग, एक हाथ से प्रहार करती, दूसरे में उनका रक्त जो है वो डाल लेती है, उसे रक्त का पान करती, उस रक्त को जमीन पे न गिरने दें, इसलिए कालरात्रि का स्वरूप किया और रक्त बीज का वध किया। अन्यथा रक्त बीज का वध करना बिल्कुल असंभव था किसी भी देवी या देवता के लिए, इसलिए माता ने कालरात्रि का स्वरूप धारण किया। अभी आपने कहा कि माँ ने जो ये स्वरूप धारण किया जिस वजह से इन्हें कालरात्रि कहा जाता है, इनके एक हाथ में खप्पर है, वो सब आपने बताया। माँ का स्वरूप देखने में कैसा है? जी देखिए, माता के स्वरूप के विषय में हमारा शास्त्र क्या कहता है वो बता देता हूँ आपको। शास्त्र में कहा गया है, एक वेणी जपा कर्ण पुरा नगना खरा स्थिता, लंबो खटी कर्ण का करणी तैलाभ्याक्त शरीरिणी, वाम पादो लहल लता कंटक भूषणा, वर्धनम मूर्धजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। यह माता के स्वरूप का वर्णन है। माता का जो शरीर है उसका रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है, सिर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है, इनके तीन नेत्र हैं, त्रिनेत्रा हैं, इन तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं, इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निसृत होती रहती हैं, निकलती रहती हैं, इनकी नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं, इनका वाहन गर्दभ मतलब गधा है, ऊपर से उठे हुए दाहिनी हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती हैं, दाहिने तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का काटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली हैं, इसी कारण इनका नाम शुभकरी है, मतलब शुभता को प्रदान करने वाली, शुभ करने वाली। अतः माता के इस स्वरूप से किसी भी भक्त को किसी भी प्रकार से भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कालरात्रि का जहाँ एक अर्थ काल है, वहीं हमारा शास्त्र कहता है काली काल विनाशिनी, तो आपकी मृत्यु का, आपके काल का भी नाश करने में यदि किसी देवी में शक्ति है तो माता काली में है। ये तो आपने माँ का स्वरूप बताया, माँ ने ये स्वरूप धारण कब किया? जैसे आपने भी बताया कि राक्षसों के वध के लिए किया, उसकी पूरी कथा क्या है वो भी बताएं। देखिए, माता तभी आती हैं संसार में, भयानक रूप तभी धारण करती हैं जब उनकी संतान, उनका पुत्र, उनकी प्रजा बड़े संकट में होती है। और माता ने इतना भयानक रूप धारण किया तो जरूर कारण बहुत महत्व का रहा होगा। बात इस प्रकार है कि एक समय काल में रंभ और करंभ नाम के दो भाई थे जो दैत्य कुल में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने बड़ी तपस्या की और तपस्या करके उसने देवताओं से शक्तियां प्राप्त की एक ऐसे पुत्र की जो संसार में सबसे शक्तिशाली हो, अजय हो, जिसका कोई वध न कर सके। पुत्र के रूप में उन्हें महिषासुर प्राप्त हुआ, लेकिन जब महिषासुर ने अपने पिता का दाह संस्कार किया था तो उनके मृत शरीर से एक राक्षस का जन्म हुआ था जिसका नाम था रक्तबीज। यही रक्तबीज वो कारण है जिसकी वजह से माता को कालरात्रि का स्वरूप धारण करना पड़ा था। जैसे कि हम पीछे
बता चुके हैं कि महिषासुर के वध के लिए माता दुर्गा ने स्वरूप धारण किया था, उसी तरह से रक्त बीज के वध के लिए माता ने कालरात्रि का स्वरूप धारण किया था। रक्त बीज की विशेषता क्या थी? रक्त बीज एक तरह से मृत शरीर से उत्पन्न हुआ था, उसको वो अयोनिजा था, उसको किसी माता के गर्भ से जाने की आवश्यकता नहीं थी, तो इसलिए उसकी शारीरिक संरचना इस प्रकार थी कि जब उसका रक्त कहीं गिरता तो उस रक्त से उसके ही जैसा नया रक्त बीज तैयार हो जाता, मतलब उसका क्लोन बन जाता। एक तरह से कहा जाए तो वह अपने ही शरीर का क्लोन था, आज के आधुनिक भाषा में प्रसंग में समझा जाए तो। ऐसी स्थिति में जब उसको कोई मारने को दौड़ता, उद्यत होता, उसका वध करता, तो प्रहार से रक्त गिरता ही गिरता और रक्त से एक रक्त बीज जगह कई रक्त बीज तैयार हो जाते। ऐसी स्थिति में माँ दुर्गा वध तो कर रही थी, लड़ तो रही थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रही। जब माँ दुर्गा सफल नहीं हो पा रही थी तो उनके पीछे से माँ कालरात्रि आई। एक तरफ से माँ दुर्गा युद्ध कर रही थी, पीछे से उनके माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि का काम सिर्फ इतना था कि एक हाथ से जब प्रहार करती तो उसके शरीर से जितनी भी रक्त की बूंदे जमीन पे गिरती, उसको जमीन पे गिरने से पहले ही अपने खप्पर में माँ ले लेती थी, उसका रक्त का पान करती और राक्षसों का वध करती जाती और उनके मुंडों की माला अपने गले में धारण करती थी। ये एक कथा है जो कि हमें देवी भागवत महापुराण में प्राप्त होता है, मार्कंडेय पुराण में प्राप्त होता है कि माता ने रक्त बीज के वध के लिए यह कालरात्रि का स्वरूप धारण किया और रक्त बीज का वध किया माता ने। और उसके पश्चात इन्हें भयंकर, चूंकि इनकी क्रोधाग्नि शांत नहीं हो रही थी, इतनी अधिक इनके मन में क्रोध था, इतना क्रोध था कि उससे समस्त सृष्टि के जीवन का ही संकट में पड़ गया, समस्त सृष्टि की ही संभावनाओं खतरे में दिखाई देने लगी। फिर इनके क्रोध को शांति के लिए भगवान शिव इनके सम्मुख आए, इनसे प्रार्थना किए, तमाम देवतागण इनसे प्रार्थना किए, फिर किसी तरह से देव स्तुति से माता प्रसन्न हुई और उनका क्रोध शांत हुआ। इस तरह से माता कालरात्रि क्रोध शांत होने के बाद माता कालरात्रि के रूप में पूजी जाने लगी और सदैव के लिए इस लोक में, इस संसार में अमर हो गई। जी तो फिलहाल कार्यक्रम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे आपको कि माँ कालरात्रि की पूजा के लिए दिन का कौन सा समय उत्तम माना जाता है और माँ कालरात्रि की पूजा से भक्तों को किस फल की प्राप्ति होती है। लेंगे इन सवालों के जवाब, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नवरात्र विशेष में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं माँ के सातवें स्वरूप माँ कालरात्रि के बारे में। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि माँ के स्वरूप की पूजा कब करनी चाहिए, दिन का कौन सा समय सातवें दिन, नवरात्र के सातवें दिन उत्तम माना जाता है। पंडित जी, माँ का सातवां स्वरूप माँ कालरात्रि होता है। आपने पहले भी बताया कि माँ दुर्गा के सभी स्वरूप हैं तो पूजा उसी तरीके से की जा सकती है, लेकिन क्या माँ कालरात्रि की पूजा के लिए कोई विशेष समय होता है, कोई विशेष विधि होती है? देखिए, अभी तक हमने जो छह देवियों की चर्चा की, जो छह देवियों की पूजन विधि, ये तमाम चीज़ें हमने समझी, माता की पूजा जस्ट उससे थोड़ा सा अलग है, या यूँ कहें उल्टे है। माता कालरात्रि की पूजा का जो सबसे विशेष समय है वह रात्रि का है, मध्यरात्रि, खास करके रात्रि के 10 बजे के बाद और ब्रह्म मुहूर्त के होने के पहले की जो वेला है 6 घंटे की, इसी वेला में माता कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। और जो योग्य साधक हैं, जो विद्वान हमारे साधक हैं, भक्त हैं, वो रात में ही माता कालरात्रि की पूजा उपासना करते हैं और यही सबसे अच्छा मुहूर्त है। रही बात विधि की, तो थोड़ा सा विधियों में भी फर्क है। यहाँ पे उन्हें, यदि आप कात्यायनी को, स्कंद माता को, चंद्रघंटा को, शैलपुत्री को बलि नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन माता कालरात्रि के पूजन में सात्विक बलि का विधान है और देना भी चाहिए, अनिवार्य है। अब बलि किस चीज़ के, कुछ लोग बलि में हमेशा जानवरों की ही बलि देते हैं, ये गलत है, ये ऐसा नहीं समझना चाहिए। हमारे यहाँ सात्विक चीज़ों की बलि का विधान है। आप बलि किसकी दे सकते हैं? माता की पूजा में नींबू की बलि दी जाती है और नारियल की बलि दी जाती है। माता के सम्मुख नींबू आप काट करके चढ़ा सकते हैं, उस पर एक कपूर जला दें, यह बलि माँ स्वीकार कर लेगी। इसके साथ साथ आप एक जल भरा नारियल लें और उसे भी माँ के सामने आप जो है तोड़ करके उसका जल माँ के श्री चरणों पर चढ़ाएं, निश्चित रूप से यह बलि भी आपकी स्वीकार हो जाएगी, बलि स्वरूप में स्वीकार होगी और यह माता के पूजन में अन्य माता के स्वरूपों से थोड़ी सी विभिन्नता यहाँ पर जरूर बरतनी चाहिए, सावधानी के साथ।
यानी बलि का अर्थ ये नहीं होता कि आप किसी जीव की हत्या करें। बिल्कुल, बलि का अर्थ जीव की हत्या का कतई नहीं है। कालांतर में लोग अपनी सुविधा अनुसार बलि को परिभाषित करते गए। कहीं न कहीं सनातन धर्म के ऊपर यह एक कुठाराघात भी है कि मतलब ऐसा कौन सा धर्म है, ऐसी कौन सी देवी है जो अपने ही संतान की बलि लेके प्रसन्न होती है। ऐसी तो कोई संसार की माँ नहीं हो सकती जो अपने बच्चे की मृत्यु पर प्रसन्न हो। तो यह एक समझने वाली बात है और हमारे ग्रीन टीवी के दर्शक इस बात को समझ लें कि कोई भी माँ ऐसी नहीं है जो अपने संतान की मृत्यु से प्रसन्न हो। प्रसन्न होने की बात छोड़िए, उल्टे ऐसा श्राप देगी कि पूरी जिंदगी क्या पूरे जन्म आप उठ नहीं पाएंगे। जी, तो दर्शकों एक बात जो आप खास ध्यान रखें कि बलि का अर्थ ये नहीं होता कि आप किसी जीव की हत्या कर दें। आप माँ को बलि देना चाहते हैं तो आप नींबू काट कर चढ़ा सकते हैं, माँ को नारियल आप भेंट कर सकते हैं जो कि माँ को अति प्रिय भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि माँ की पूजा आराधना से, सातवें स्वरूप की पूजा आराधना से भक्तों को किस फल की प्राप्ति होती है। पंडित जी, सातवां स्वरूप माँ कालरात्रि का होता है, देखने में भयावह होता है लेकिन क्योंकि माँ है और माँ कभी बच्चों का बुरा नहीं चाहती, माँ की आराधना से किस फल की प्राप्ति होती है। देखिए, अभी आपने कहा कि माँ का स्वरूप भयानक होता है। देखिए स्मिता जी, माँ माँ होती है, चाहे माँ गोरी हो, काली हो, जैसी भी हो, माँ सिर्फ माँ होती है। अपने संतान के लिए उतना ही प्रेम करती है जितना कि कोई भी इस संसार की माँ किसी अपने बच्चे से कर सकती है। तो माँ का स्वरूप कोई भी हो, कैसा है, वो माँ है और माँ से भय नहीं होना चाहिए किसी भी पुत्र को, किसी भी संतान को। अब रही बात माता कालरात्रि की उपासना और उपासना से मिलने वाले फलों के संदर्भ में, तो मैं अपने सभी दर्शकों को बताऊं कि माता कालरात्रि की जो उपासना है इसे सबसे पहले समझने की बात है। एक तो मैंने बताया कि रात को उपासना करिए, इसके साथ साथ शरीर में माता कालरात्रि कहाँ पे हैं और किस तरह से उन्हें आत्मसात किया जा सकता है। तो कालरात्रि की साधना नवरात्र के सातवें दिन की जाती है। इस दिन सभी जो भक्त हैं उनका मन सहस्रार चक्र में स्थिर रहता है। सहस्रार हमारे सर के ऊपर होता है, जहाँ शिखा होती है, शिखा के मध्य भाग में जो है यह सहस्रार चक्र स्थित होता है जो कि कुंडलिनी चक्र का सातवां चक्र है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं। मतलब जब सहस्रार का जागरण होता है तो संसार में कोई भी अभीष्ट इच्छा अधूरी नहीं रहती है, सभी इच्छाएँ पूर्ण होनी आरम्भ हो जाती हैं। जब इस चक्र में साधक का मन पहुँच जाता है तो पूर्णतः माँ कालरात्रि के ही स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य का वह भागी बन जाता है, उसके समस्त पापों विघ्नों का नाश हो जाता है, उसे अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव हो, दैत्य हो, राक्षस हो, भूत हो, प्रेत, पिशाच, ये जितने भी बुरी शक्तियाँ इस सृष्टि में हैं माँ कालरात्रि की स्मरण मात्र से भयभीत होकर के आपके पास से भाग जाएंगी। ग्रह की बाधा हो या किसी भी प्रकार की बाधा हो वह भी समाप्त हो जाती है माता कालरात्रि का नाम लेने से। इनके उपासक को कभी अग्नि का भय नहीं होता, कभी जल का भय नहीं होता, कभी शत्रु का भय नहीं होता, कभी रात्रि में भय नहीं लगता। मतलब वह व्यक्ति अभय हो जाता है, भय से मुक्त हो जाता है। इनकी कृपा से उसका जीवन सार्थक हो जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा के समय उनके स्वरूप का विग्रह का अपने हृदय में अवस्थित करके आप एक निष्ठ मन से उनकी उपासना करें। यम, नियम, संयम को उसे पूर्ण रूप से पालित करें। मन, वचन, कर्म की पवित्रता रखें। मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार से माँ कालरात्रि शुभ करी हैं, शुभता को देने वाली हैं। इनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती। आप गिन नहीं सकते कितनी चीज़ें आपके जीवन में अच्छी हो सकती हैं। हमें निरंतर रूप से माता कालरात्रि का स्मरण, ध्यान, पूजन करना चाहिए। आप सभी भक्त माता कालरात्रि को नवरात्र के सातवें दिन उनका ध्यान करिए, मनन करिए, चिंतन करिए, उनके बारे में विचारिए। निश्चित रूप से माता आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और आपके जीवन से काल शब्द को मिटा देंगी। माता कालरात्रि का अर्थ ही यही है कि काली काल विनाशिनी, काल का नाश करने वाली यदि कोई शक्ति है तो माता कालरात्रि है। और एक बहुत अच्छी बात जो पंडित जी ने बोली है कि माँ माँ होती है, सुंदर या भयानक कुछ नहीं होता, क्योंकि माँ एक ऐसा शब्द है जो बच्चे का कभी बुरा नहीं चाहती। माँ के सभी स्वरूप बहुत सुंदर हैं, बहुत दयावान हैं। माँ की कृपा आप पर बरसेगी अगर आप भक्ति भाव से माँ के 9 रूपों की अच्छे से आराधना करेंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे आपको कि राशि अनुसार आप माँ के सातवें स्वरूप को क्या अर्पित कर सकते हैं। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ। Thank you.
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका ग्रीन टीवी के नवरात्र विशेष में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं माँ के सातवें स्वरूप माँ कालरात्रि के बारे में। माँ के सातवें स्वरूप की आराधना आपको कैसे करनी है और माँ की पूजा से आपको किस फल की प्राप्ति होती है, तमाम बातें पंडित जी ने आपको बता दी है। लेकिन राशि अनुसार आप माँ को क्या अर्पित कर सकते हैं, चलिए ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, राशियों के मुताबिक जातक माँ कालरात्रि को क्या अर्पित कर सकते हैं? जी, माता कालरात्रि को मेष राशि के दर्शक क्या चढ़ा है वो बता देता हूँ। मेष राशि और वृश्चिक राशि, ये दोनों राशियाँ मंगल की राशियाँ हैं, इसलिए आप माता कालरात्रि के स्वरूप को रोली अवश्य समर्पित करें। रोली आप चाहें तो रोली जल में घोल करके उनको स्नान भी करा सकते हैं, या सूखी रोली भी उनके श्री चरणों में समर्पित कर सकते हैं। अब बात करते हैं शुक्र की राशियों की। शुक्र की राशियां मतलब वृषभ राशि और तुला राशि। वृषभ राशि और तुला राशि के लोग माता कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए दही का नैवेद्य समर्पित करें, दही और गुड़ मिला करके माता के श्री चरणों में समर्पित कर दें। अब बात करते हैं तीसरी राशि और छठवीं राशि, मतलब मिथुन राशि और कन्या राशि। ये दो राशियाँ बुध की अपनी राशियाँ हैं। बुध की राशियों के लोगों को चाहिए कि ये माता कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए नींबू की माला, 108 नींबू की माला बना लें, वह माला माता कालरात्रि को समर्पित करें। निश्चित रूप से माता कालरात्रि की प्रसन्नता आप लोगों के ऊपर होगी और माता की कृपा से आपके सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। अब बात करते हैं चौथी राशि, कर्क राशि। कर्क राशि के लोग माता को प्रसन्न करने के लिए नवरात्र के सातवें दिन दूध से बने हुए पकवान समर्पित करें। इसके साथ साथ आप सफ़ेद रंग की मिठाई भी माता को भोग के रूप में लगा सकते हैं। बात करते हैं पांचवी राशि, सिंह की राशि। सिंह अर्थात सूर्य की अपनी राशि। सिंह राशि के लोग माता को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। लाल रंग की चुनरी चढ़ाने से निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब बात करते हैं धनु राशि और मीन राशि की। धनु राशि और मीन राशि मतलब देवगुरु बृहस्पति की राशि। तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा यदि पानी है तो माता कालरात्रि की पूजा आप अवश्य करें। आपको क्या करना है, पीले रंग की फूलों की माला, उसमें भी कौन सा पीला फूल, कनेर के फूल, पीले रंग के कनेर के फूल लीजिए और 108 फूलों की एक दिव्य माला बनाइए और रात्रि के पूजन वेला में माता कालरात्रि को समर्पित कर दीजिए। आप देखिए आपके जीवन में किस तरह से चमत्कार होने आरंभ हो जाते हैं। अब बात करते हैं शनि की राशि। शनि की राशियां कौन कौन सी हैं, मकर और कुंभ। मकर व कुंभ राशि के लोग जो कि शनि की अपनी राशियां हैं, शनि के अधीन में आती हैं, यदि आप माता कालरात्रि का पूजन करते हैं नवरात्र के सातवें दिन, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख व समृद्धि का वास होगा। आपको क्या करना है, कैसे पूजा करनी है, सामान्य नियम तो आप जानते हैं, दुर्गा की जैसे पूजा होती वैसे माता कालरात्रि की धूप दीप नैवेद्य तमाम चीज़ें जो आप समर्पित करते हैं करते रहिए, जिस तरह से आप पिछले 6 दिनों से माता की पूजा करते आए हैं। सातवें दिन विशेष क्या देना है, सातवें दिन रात के समय आप माता को कोई भी उड़द के एक भोग पदार्थ बनाइए, उड़द की दाल का, उसको माता के श्री चरणों में समर्पित करिए। इसके साथ साथ नींबू की 108 नींबुओं की एक माला बनाइए, वो समर्पित करिए। इसके साथ साथ जब आप पूजा करने बैठिए तो काले रंग का एक दुपट्टा चाहे काले रंग की साल, ये जरूर माता को आप समर्पित कर दीजिए। ये तीन उपाय करने से मकर व कुंभ राशि के लोगों के जीवन में निश्चित रूप से माता कालरात्रि की कृपा से चमत्कार होगा, उनका जीवन सुखमय होगा, वैभवशाली होगा, संपन्न होगा। और माता सदैव अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, उन्हें कभी किसी कुमार्ग पे नहीं जाने देती हैं, कभी किसी गलत रास्ते पे नहीं जाने देती हैं। और यदि माता के संरक्षण में आप रहेंगे, माता के सानिध्य में आप रहेंगे, तो आप यकीन जानिए आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। यदि गलती से भी आप कोई गलत काम करते हैं तो माता सदैव आपका हाथ पकड़ के रखेगी, जैसे एक माँ अपने बच्चे का, एक शिशु का हाथ पकड़ के रखती है। वो चाहते हुए भी कभी गलत रास्ते पे नहीं जा सकता जहाँ उसको खतरा हो या कोई कष्ट प्राप्त हो सकता है। इसलिए 9 दिनों में माता को निश्चित रूप से प्रसन्न करने का हर वो प्रयास करिए जो आप कर सकते हैं। माता की कृपा से आप सभी भक्तों का कल्याण हो, आपके जीवन में सुख आए, शांति आए। तो राशियों के मुताबिक ये तमाम चीजें पंडित जी ने आपको बता दी हैं, जिन्हें अगर आप माँ कालरात्रि को अर्पित करेंगे तो आपको माँ का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे दर्शकों को माँ कालरात्रि से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर, बताएंगे आपको माँ के आठवें स्वरूप माँ महागौरी के बारे में। साथ ही आपको ये बताएंगे कि क्यों की जाती है आठवें दिन कन्याओं की पूजा,
कन्या पूजन का क्या महत्व होता है अष्टमी के दिन, ये भी बताएंगे। लेकिन आज के लिए लेंगे आपसे इजाजत। जय माता दी। जय माता की।